हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन आज हम बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। सिर्फ 16 फंदे डाल के मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। और आप थोड़ी थोड़ी ऊन जैसे आपके पास बची हुई है तो इसमें आप उसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, और आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बहुत ही ईजिली बना सकते हो। तो चलते हैं, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें 16 फंदे डालूँगी। एक मैंने यहाँ पे ये देखिए नोट लगा ली, एक हमारा फंदा नोट से हो गया, और ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए 16 फंदे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऐसे हम निडल पे थ्रेड को लपेट लेंगे। एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया। अब देखिए, एक बड़ा हुआ फंदा, एक ये दो, ध्यान से देखिए, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे मैं आगे बॉर्डर के रखूँगी, और यहाँ से मैं इसमें सेकंड कलर लगा लूँगी। ये देखिए, जिस कलर से भी आप बॉर्डर बनाओगे उसी कलर से आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दबा दिया, आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हो। 1, 2, 3, 4, ध्यान से देखिए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 फंदे बना लिए, एक फंदा मैंने पीछे छोड़ दिया। पलट लेंगे इस साइड से। देखिए, ये सीधी साइड है हमारी। सीधी साइड से जो फंदा जिस कलर का आपको दिखाई देगा आपने उसी कलर से इसको बनाना है। जब भी हम चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से करेंगे चेंज। ये सीधी साइड है, ये देखिए येलो के मैंने येलो से बना लिए। पीछे करूँगी, पीछे से मैं रेड थ्रेड आगे लेके आऊँगी। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। किनारे वाले फंदे को फ्रेंड्स मैं हमेशा सीधा बना के दिखाती हूँ, लेकिन इस डिज़ाइन में हम इसको उल्टा ही बनाएं, क्योंकि हर बार हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब फिर से यहाँ पे मैंने दूसरा फंदा बढ़ा लिया। आगे हम हर बार फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, 3, 4, 5 और 6। ये एक फंदा मैं ऐसे क्रॉस करूँगी और येलो में कन्वर्ट करूँगी। ध्यान से देखिएगा, इस पत्ती को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये फंदे हमारे 10 ही रहेंगे, एक फंदा पीछे छोड़ेंगे तो एक हम आगे बढ़ा लेंगे। ये फिर से हमने एक फंदा छोड़ दिया। सीधी साइड से इस रो को एक बार फिर से देखिएगा, फिर मैं इसको हर बार बना के आपको दिखाऊंगी। हर बार आपने थ्रेड को क्रॉस करना है, नहीं तो बीच में गैप बन जाएगा। येलो पीछे कर देंगे, पीछे से रेड क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। क्रॉस आपने हर बार करना है। और ये 6 फंदे मैं रेड से बना दूँगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी डिज़ाइन है। जो भी मेरी बहनें बिगनर्स हैं, थोड़ा बहुत उल्टा बनाना जानती हैं, उल्टा सीधा, वो भी आसानी से इसे बना लेंगे। फिर से देखिए, लपेट लेंगे। हर बार आपने एक फंदा
बढ़ाना है और एक फंदा पीछे छोड़ना है। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये फंदे हम छः ही रखेंगे। अगर आपको बॉर्डर कम पसंद है तो आप यहाँ पे चार फंदे भी रख सकते हो। अब देखिए, एक फंदा फिर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस, एक फंदा फिर से छोड़ देंगे, पलट लेंगे, सीधी साइड से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, हमारी पत्ती की शेप ऊपर की तरफ हो गई है। अब एक बार फिर से देखिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊंगी। फिर से हम यहाँ पे लपेट लेंगे। फंदा आपने हर बार बढ़ाना है, दो, तीन, चार, पाँच और छः, एक फंदा ऐसे क्रॉस करेंगे और फिर से येलो में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक फंदा फिर से छोड़ दिया और यहीं से पलट लेंगे। इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए, फिर मैं इसको पत्ती को थोड़ा सा बना के दिखाऊँगी आपको। दो, तीन, चार, पाँच और छः क्रॉस कर लेंगे और ये एक फंदा मैं फिर से कन्वर्ट कर दूंगी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, पलट लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, पीछे हम एक एक फंदा छोड़ देंगे और आगे की साइड एक फंदा बढ़ाएंगे और एक रेड का येलो में मैं कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। बहुत ही सुंदर ये पत्ती का डिज़ाइन बनेगा, इसे मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, 10 फंदे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए, पीछे हमने छोड़ दिए हैं, दो दो डबल डबल गिनूँगी मैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 10 फंदे हमने पीछे छोड़ दिए। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये हमारे 10 बड़े हुए फंदे हैं और ये 6 हमने पट्टी के लिए ले रखे हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब तक हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ लेके आए थे, अब हम इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तभी हमारी इसकी बिल्कुल पान के पत्ते की शेप बनेगी। तो देखिए, अब तक हमने फंदा आगे बढ़ाया था, ध्यान से देखिए, अब हम फंदे को ऐसे घटाएंगे, दो का एक कर दिया, लेकिन हम पट्टी के फंदे 6 ही रखेंगे। दो, तीन, चार और पाँच, एक फंदा हम आगे से इसमें ऐड कर लेंगे, ये हमारे 6 हो गए। इसको आप ऐसे टाइट करिएगा। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये 9, एक फंदा हमारा यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो गया। 10 फंदे थे तो एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, ये हमारे 10 फंदे हो गए। 10 10 लेके ही चले थे हम ये फंदे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान डिजाइन है। वीडियो को आप पूरा देखा करो, बीच बीच में जो भी चेंज होते हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। और इसमें फ्रेंड्स, आपको जोड़े से फंदे डालने नहीं हैं, जितना भी आप बड़ा बनाना चाहो उतना ही आप इसको बड़ा बना सकते हो। बस आप पट्टी के लिए जोड़े के फंदे आप रखिएगा। अब देखिए, ये हमारी अंदर की तरफ मुड़ गई है। अब हम यहाँ नीचे से हम ऊपर तक एक एक फंदा बढ़ाते आए थे, अब ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो एक एक फंदा हर बार हम घटाएंगे। देखिए, एक और हमने घटा लिया, दो, तीन, चार, पाँच, एक आगे से इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसको हर बार ऐसे टाइट करिएगा,
ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक आगे से ले लेंगे, उससे पहले देखिए बीच में से ऐसे एक फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे। ये वापस हमने फिर 10 फंदे अपने बना लिए, मुड़ जाएंगे, एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको, फिर इस पत्ती को थोड़ा सा बना के फिर दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाहर के जो पार्ट हमने बनाए हैं वो भी मैं आपको सारे बना के दिखाऊंगी। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही इसको बनाना है। एक फंदा घटाना है ऊपर से, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, एक बार और दिखाऊंगी, इसी तरीके से आपने इसको नीचे तक पत्ती को लेके जाना है। ये देखिए ऊपर से हमारी शेप इसमें बन गई है। आपने बिल्कुल ही इसको ऐसे सिंपल बनाना है। यहाँ से हम एक फंदा हर बार घटाएंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए दो तीन चार पाँच और एक आगे से ले लेंगे छः, और इसको आपने देखिए अभी लूज है, ऐसे इसको टाइट करना है। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक आगे से लेंगे, उससे पहले हम ऐसे फंदा उठाएंगे और यहाँ पे हम गैप ख़त्म कर लेंगे। वापस हमने फिर से ये 10 फंदे अपने बना लिए हैं, पलट लेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ। ऊपर से एक फंदा घटाएंगे, यहाँ से हमने कन्वर्ट करेंगे, ये फिर हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। एक आगे से ले लेंगे, बीच में से यहाँ पे गैप भरने के लिए एक फंदा उठाएंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दो फंदे बचे हुए हैं, एक ये रेड वाला और एक येलो वाला। आपको याद हो जब हमने पहली सिलाई में ये रेड छोड़ा था, तब भी हमने फंदा बढ़ाया था और दो फंदे ही हमारे पास बचे हुए हैं जो बड़े हुए हैं। ये देखिए फिर से हम फंदा घटाएंगे, दो का एक किया, लास्ट है बिल्कुल ये पत्ती का, एक दो तीन चार पाँच, एक आगे से ले लेंगे छः, और इसको आप ऐसे टाइट करके, और देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आपने क्रॉस करना है, तभी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, गैप के लिए फंदा उठाएंगे, और ये 10, एक फंदा हमारा अभी बचा हुआ है। अब देखिए सीधी साइड से जो जैसा है वैसा ही हम बनाएंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स जो हम फंदा उठाते हैं गैप भरने के लिए, आप देख सकते हो उसके भी बीच में पत्ती के बीच में एक चैन सी बनती जाती है, इससे इसकी और ही बिल्कुल परफेक्ट शेप दिखाई देगी, अच्छा भी लगता है, ये ख़राब नहीं लगता, और हमारा गैप भी बीच में नहीं दिखाई देता। जैसे पत्ती में बीच में वो होता है ना, ऐसी ही हमारी ये चैन सी इसमें भी बनती जाती है। अब देखिए ये 6 फंदे मैं रेड से बना दूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको एक पत्ती तो हमारी एक कलर की तो बन के कम्प्लीट हो गई, ये लास्ट की रो है जो मैंने पत्ती के बीच में दी है, यहाँ पे मैंने एक भी रो नहीं दी, क्योंकि जब हम लास्ट में पत्ती को बंद करेंगे तो यहीं पे हमारा एंड होगा, तो उस पत्ती के हम लास्ट में देंगे, या आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो या लास्ट में दे सकते, स्टार्टिंग में दे हो तो लास्ट में मत दीजिएगा। अब देखिए लास्ट फंदा जो हमने सबसे पहली रो में जब हमने अपना कलर सेट किया था तब लगाया था, अब देखिए एक, इस रो में हम ये सारे फंदे रेड से बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात
इसको आप ऐसे पक्का कर दीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अगर आपको गैप लगे तो इसको भी एक फंदा उठा के 2 का 1 कर दीजिए। ये देखिए पूरे हमारे 16 फंदे हो गए। इसको आप कमी बनाना, एक साइड से मैंने बना लिया, एक साइड से ऐसे उतार लिया, बीच में बिल्कुल भी होल नहीं बनेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। आप पत्ती के बीच में 2 रो भी दे सकते हो, मैंने इसमें 4 रो दी हैं। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप खाली 2 रो दिए, उल्टी साइड से हमने बनाया और सीधी साइड से, और अगली रो से फिर आप दूसरी पत्ती की स्टार्टिंग कर दीजिए। 4 पत्ती में ही बनके कंप्लीट हो जाएगा ये। ये देखिए अब मैं इसमें फ्रेंड्स 2 रो और लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, कोई फंदा घटाऊंगी नहीं, कोई फंदा बढ़ाऊंगी नहीं, ऐसे ही सिंपल सिंपल सारे फंदे लास्ट तक ऐसे ही बना लूँगी। इसको एक साइड से हम बनाएंगे, ऐसे ही उतार लेंगे, इस साइड से मैं इसको बना दूंगी। ये देखिए इस साइड से भी फ्रेंड्स मैं ये पूरी रो बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक कलर से ही सारी पत्ती बनानी है तो आप इसी कलर को यहाँ से कंटिन्यू करिएगा जैसे हमने स्टार्टिंग की थी। मैं यहाँ पे आपको दूसरा कलर लगा के बताऊँगी। अब ये देखिए फिर से हम ऐसे ही एक फंदा लपेट के फंदा बढ़ा लेंगे। ध्यान से देखिए, 2, 3, 4, 5 और 6, यहीं से मैं इसमें ये कलर, देखिए मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया था, आप इसको यहाँ से काट सकते हो। इसको भी मैं ऐसे ही करके, इसको भी आप एक बार दबा लीजिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए आगे के मैं ये 6 फंदे रेड से बना दूंगी। दूसरी पत्ती की फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग कर दी है, और इससे अगली पत्ती मैं फिर से येलो की बनाऊंगी और लास्ट पत्ती फिर से मैं ये ग्रीन की बनाऊंगी। तो मेरी आमने सामने पत्ती एक ही कलर की सेट हो जाएंगी। एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 अब देखिए ऐसे कर लेंगे क्रॉस, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक फंदा फिर से छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पत्ती को ऊपर लेके जाएंगे, 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और फिर जैसे हमने ये अभी यहाँ से बनाई थी ऊपर घटाना शुरू करेंगे। पत्ती के हम 5 फंदे बच जाएंगे तो 6 कर लेंगे, और ये 10 फंदे आगे के गिन के और एक फंदा आगे से हम ऐड कर लेंगे। अब छोड़ रहे हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों ही पत्ती मेरी बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, इसके बाद फिर ये ऐसे आमने सामने हमारे ये सेट हो गई हैं। अगर आपको चारों ही पत्ती अलग अलग रंग की बनानी है तो आप अलग अलग रंगों से भी बना सकते हो, और एक रंग से भी बना सकते हो, और जैसे मैंने बनाया है इसी तरीके से भी आप बना सकते हो। अब देखिए सारी पत्ती बंद होने के बाद हमें सारे फंदे ऐसे बंद करने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 2 का
एक करेंगे, वापस डालेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। सारे ही फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं। अगर आपको फ्रेंड्स ऐसे सिंपल रखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। अब हम इसको और डिजाइनर बनाएंगे, तो इसके बाहर के भी मैं चारों तरफ के पार्ट आपको बनाने सिखाऊंगी। जो डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी उनको भी आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हो, और आप जैसे मैंने बनाया है ऐसे बना के इसको और भी डिजाइनर रूप दे सकते हो, उससे इसका साइज भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये देखिए लास्ट के फंदे भी दो का एक करके, थ्रेड भी मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल, और मैं इसको इसमें से ऐसे निकाल के पक्का कर दूंगी। ये देखिए इसकी फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक ही हमने इसकी ऐसे सिलाई करनी, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको सील लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आगे से हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपने इसके कॉर्नर अच्छे से बिल्कुल मिला लेने हैं। यहाँ से आपने थ्रेड को बिल्कुल ऐसे पक्का करना है। एक बार आप ऐसे सीधा करके देख लीजिए, क्योंकि अभी हमने इसकी सिलाई नहीं की है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हुई है, तो बिल्कुल ऐसे कॉर्नर मिला के, और अब यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसमें होल नहीं है, तो बिल्कुल ही मैं इसको यहाँ तक सिंपल सील लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट तक सील लिया है। अब मैं इसको थ्रेड को ऐसे पक्का करके, और थोड़ा सा आप इसको ऐसे अंदर की साइड ही अब हम इसको काट देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी शेप बनी है। अब फ्रेंड्स हम इसके यहाँ से चारों कोनों पे बहुत ही सुंदर सुंदर मैं यहाँ पे अब इसके फ्लावर बनाएंगे हम। तो वो कैसे बनाएंगे, इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसमें 16 फंदे डाले थे, तो उसमें भी मैं 16 फंदे ही डाल के हम उसको बनाएंगे। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके किनारे जिस भी कलर के हों उससे अलग कलर से जो अंदर लगे हुए हैं उससे हम ये बनाएंगे, क्योंकि अगर हम रेड से ही बनाएंगे तो वो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं उठेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें एक दो इसी तरीके से मैं इसमें 16 फंदे डाल लेती हूँ। 16 फंदे डालने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हमें क्या करना है। ये देखिए 16 फंदे डालने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जोड़े से फंदे डालने हैं। ये देखिए इस रो को मैं बिल्कुल ही ऐसे सिंपल सिंपल बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं बनाना तो आप मत बनाइए। पहले मैंने इसी डिज़ाइन की बनाई थी तो उसको बिल्कुल सिंपल बनाया था, जो डिज़ाइन आपके सामने है, लेकिन अब मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। ये देखिए ये एक रो आपने बिल्कुल ऐसे पूरी उतारनी है, ठीक है। अब पलट लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये सारे फंदे बना लूँगी मैं, और दो फंदे नीचे की तरफ छोड़ती हुई ऊपर की तरफ आऊँगी। दो साइड से मैं इसको एक जैसा बनाऊंगी फ्रेंड्स, और दो साइड से मैं इसको एक जैसा बनाऊंगी। अलग अलग डिज़ाइन हम बनाएंगे। आप चारों किनारे एक जैसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइनर बना के देऊंगी। ये देखिए, और साड़ी और चुन्नी से तो ये काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। इसकी वीडियो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे है। जिस भी मेरी बहन कोई चुन्नी से बनाना है, साड़ी से बनाना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो।
अब देखिएगा थ्रेड पीछे करके इसको हम ऐसे उतार लेंगे, किनारे वाले को एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतारेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस साइड से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से लास्ट में दो फंदे मैं छोड़ दूंगी। ये फिर से दो छोड़ दिए, पलट लेंगे। ध्यान से देखिएगा किनारे वाले फंदे को, अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे उतार लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखिए, और फिर से दो फंदे नीचे छोड़ देंगे, छह फंदे हमारे छूट चुके हैं। ये देखिए किनारे वाले फंदे को आप एक बार फिर से देखिएगा, फिर मैं इस कली को कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी बनती जाएगी। ये देखिए ऐसे हम इसको एक साइड से उतार लेंगे और इस साइड से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स दो दो करके मैं ये सारे फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये दो दो करके ये फंदे भी हम छोड़ लेंगे जैसे हमने ये छोड़े हैं। तो इसी तरीके से मैं इस कली को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी, ठीक है। इसे मैं कर लेती हूँ। ये देखिए दो दो करके हमने सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये फंदे मैं सारे ही नीचे तक बना लूँगी। अगर आपको राउंड शेप में बनाना हो अलग अलग मल्टी कलर से, तो आप राउंड शेप में आप ऐसे ही जोड़े के हिसाब से आप फंदे डाल के कोई भी कलर लगा के आप ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल राउंड में बन के ये कंप्लीट होगा। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वाले फंदे को फ्रेंड्स, मैं पीछे करके ऐसे ही उतार लूँगी। एक साइड से मैं इसको बनाऊँगी, नहीं तो यहाँ पर होल बनेगा, बिल्कुल भी होल नहीं बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। यहाँ से मैंने देखिए हम अंदर लगाएंगे ये कलर जो इसमें बाहर ये बाउंड्री पे था, बॉर्डर बना था, तो इसको मैं अब अंदर लगाऊंगी और इस साइड से मैं फंदे को अब बना दूंगी। इसको ऐसे दबा के हम इसको ऐसे पक्का कर लेंगे। आप यहाँ पे इसकी नोट भी लगा सकते हो। ये देखिए सारे ही फंदे में अब रेड से बना दूंगी। जब भी आप कलर चेंज करो तो आप यहीं से आपने कलर चेंज करना है एक पत्ती पूरी होने के बाद। और अब देखिए अब इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बना देंगे, ध्यान से देखिएगा। और एक साइड से अब हम इसको ऐसे उतार लेंगे। एक ही रो में आपने ऐसे बनाना है, फिर जैसे हमने नीचे बनाया था ऐसे ही आपने इसको बनाना है। ये देखिए रेड के बाद मैं इसमें येलो कलर लगाऊंगी। जो हमने इसमें अपने में लगा रखे हैं वो सारे ही कलर हम ऊपर इसमें लगाएंगे। और इस साइड से देखिए हम जैसे नीचे वाली कली बनाई है बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से ये कली बनानी है। ये ऊपर वाली पूरी हो जाएगी तो इसके बाद फिर यहीं से आपने दूसरा कलर लगाना है। और अब इस फंदे को हम जैसे पहले बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए ऐसा हमारा ये छोटी सी बनती जाएगी। तो अब भी फिर से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे, फिर सारे फंदे बना लेंगे और यहाँ से हम दूसरा कलर इसमें लगा लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एक दो तीन चार
पांच पांच कली में मेरा ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो अब देखिए सारे फंदे मैं बंद कर लूँगी। कैसे बंद करेंगे आप देख लीजिए, दो का एक किया वापस डालेंगे, फिर से दो का एक किया वापस डालेंगे, सारे फंदे हम इस तरीके से ये बंद कर लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ। ये देखिए सारे फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। तो ये एक पार्ट हमने ये बना लिया। दो पार्ट मैं फ्रेंड्स ऐसे बनाऊंगी, एक ये एक और बनाऊंगी, और एक साइड का पार्ट मैं आपको और बना के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने येलो से फंदे डाले हैं। अब देखिए इसमें भी मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाले हैं। ये थोड़ा सा उससे अलग है, दो साइड का एक जैसा बनाएंगे और दो साइड का एक जैसा बनाएंगे। दो साइड का तो मैंने आपको गोल बना के दिखा दिया, और अब ये देखिए बनने के बाद आप पूरी वीडियो देखना, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। जब हम ये सारे पार्ट इसमें जोड़ देंगे तो इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी। ये देखिए फर्स्ट रो में हम ये सारे फंदे बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम अपने फंदे बढ़ाएंगे, वो ऊपर से गोल था, इसमें हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए ऐसे लपेट लेंगे, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा ऊपर। दोनों पार्टों में मैंने जोड़े के हिसाब से ही फंदे लिए हैं। और मेरे पास ये पतली ऊन थी, ये कॉटन का ही थ्रेड होता है फ्रेंड्स, इसको मैंने डबल कर रखा है। आपके पास मोटी है तो आप सिंगल से ही बनाइए। दो फंदे मैंने नीचे छोड़ दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक कली मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब देखिए ये दूसरा फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। दो फंदे मैं फिर से छोड़ दूंगी, इस साइड की रो को मैं बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फिर से लपेट लिया, ये मैंने तीसरा फंदा बढ़ा दिया। ये देखिए एक और बनाएंगे, छह फंदे हमारे छूट गए, दो फंदे मैं और छोड़ूंगी। तो जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे डाल लो, जैसे आप 20 फंदे डाल लो तो 10 फंदे आपने फंदा बढ़ाओगे जब छोड़ने हैं, दो दो करके पांच फंदे बढ़ाने हैं। मैंने इसमें 16 फंदे डाले हैं तो मैं इसमें चार फंदे बढ़ाऊंगी और आठ फंदे नीचे की तरफ हमारे छूट जाएंगे। ये देखिए फोर्थ फंदा मैंने यहाँ पे चौथा फंदा बढ़ा लिया है। अब देखिए ये चार फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, और आठ फंदे हमारे ये छूट गए, आठ फंदे बचे हुए हैं, चार हमारे बड़े हुए हैं। जितने फंदे डाले थे उसके आधे हमने छोड़ दिए हैं। अब हम ऊपर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे,
अब हम ये फंदे घटाना शुरू करेंगे। ये देखिए, लेकिन पीछे हम फंदे इसी तरीके से छोड़ते हुए आएंगे। दो फंदे ये वाले फिर से छोड़ दिए, पलट लेंगे। ये कली मैं पूरी आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी की सेम कली आपने ऐसे ही बनानी है। कलर चेंज करते रहना है और बनाना है। कलर आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ये देखिए, फिर से हमने यहाँ पे दूसरा फंदा घटा दिया। दो फंदे फिर से छोड़ दिए, पलट लेंगे। ये देखिए, तीसरा फंदा घटा दिया। दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। एक फंदा हमारा बच गया और ये देखिए हमारी ये शेप बन गई। एक फंदा और हम घटा लेंगे और इस फंदे में देखिए फंदे हमारे सारे छूट चुके हैं, सारे ही फंदे नीचे तक बना लेंगे। एक कली फ्रेंड्स हमारी बन गई है। इसी तरीके से आपने जितने भी आपने फंदे डालने हैं ऐसे ही आपने फंदे घटाने हैं। ये पूरी कली मैंने आपको बना के दिखा दी। जितने भी फंदे डालो उसके हाफ फंदे आपने फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए, और ज़्यादा आप बड़ा बनाओ तो आपने क्या करना है, तीन तीन के पैर में भी आप फंदे डाल सकते हो। और बड़ा बनाना है तो चार चार के पैर में भी, जैसे सिंपल पायदान बनाना है। अब तो हम ऊपर का ही डिज़ाइन बना रहे हैं इसलिए छोटा बना रहे हैं। अगर आपको इसी डिज़ाइन में बड़ा बनाना है तो बड़ा भी आप इसी हिसाब से बनाइएगा। ये देखिए, इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से मैंने इसमें दूसरा कलर लगा लिया है। ये भी सारी कलियाँ हम रंग बिरंगी बनाएंगे। इस साइड से हमने कलर सेट कर लिया और सीधी साइड से फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और पीछे की साइड फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसी रो से हम फिर से ऐसे ही अपना डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। और ये कली कंप्लीट होने के बाद फिर से हम बैक साइड से इसमें कलर चेंज कर लेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें भी मैं पांच कली बनाऊंगी। ये देखिए, दो फंदे लास्ट में छोड़ देंगे, दो दो करके हम यहाँ पे आठ फंदे छोड़ देंगे। चार फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, फिर हम घटाएंगे तो ऊपर के आठ फंदे भी हम इसी तरीके से छोड़ लेंगे। जब लास्ट का फंदा हम घटाएंगे तो ये सारे फंदे हम जैसे मैंने अभी बनाए हैं ऐसे ही बना लेंगे। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने सारी ही कलियाँ बना ली हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसमें भी मैंने पाँच बनाई हैं और लास्ट में आ गए हम। सारे फंदे मैंने बना लिए छोड़े हुए। अब हम फंदा ऐसे ही घटा लेंगे। तो देखिए, दो का एक किया, जैसे हम हर बार घटाते हैं ऐसे ही सारे फंदों को हम वाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं सारे फंदे इसी तरीके से घटा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने बंद कर लिए हैं। इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स आप जो भी आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है इस डिज़ाइन में आप उसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। ये देखिए, ऐसे मैं इनकी सिलाई करूँगी। एक साइड में गोल लगाऊँगी, एक साइड ये लगाऊँगी, फिर इस साइड सामने आमने सामने मैं इनको सेट करूँगी। यहाँ पर गोल लगाऊँगी और यहाँ पे मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इनकी अब सिलाई करूँगी। तो इनको हमने उल्टा करके सिलाई करनी है। ये देखिए,
ऐसे ही हम इसको जैसे उल्टा कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये बना है। ऐसे हम इनको उल्टा रख लेंगे और फिर हम इनकी अब सिलाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल सिलाई होगी इनकी। ऐसे आपने इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इसकी सिलाई होगी बिल्कुल सिंपल। तो मैं ये सिलाई फ्रेंड्स कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा। सिलने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि सिलने के बाद इसकी कैसी लुक आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिल के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी बड़ा बन के ये कंप्लीट हुआ है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिजाइनर इसकी लुक आई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।